हेलो एवरीबॉडी, मैं सोहन चक्रवर्ती और आप लोग देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल संडे प्रॉब्लम सॉल्व। दुनिया का हर इंसान हमेशा एक चीज के पीछे भागते हैं, वो है द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ, अर्थात जिंदगी में सफल होने का चाबी। और जो लोग इसे हासिल कर पाता है उनकी हर मनोकामनाएं पूरा होता है। आप लोग जानना चाहते हैं कहां, किस तरह, कैसे ये सफलता की चाबी मिलता है? मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे बातों पर यकीन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति में हर तरह का सुंदर छोटा बड़ा फूल या फल का पेड़ देखने को मिलता है। अगर मैं पूछूं ये सुंदर फूल फल या बड़ा से बड़ा पेड़ कहाँ से आया है, तो इसका उत्तर एक ही है, वो है बीज से। ये छोटा सा बीज से ही देखते देखते इतना सुंदर, इतना विशाल पेड़ बनता है। मैं समझता हूँ हर इंसान का जीवन के अंदर एक बीज छुपा है, वो है मन, दिल। पेड़ के साथ इंसान का फर्क क्या है? पेड़ अपनी इच्छानुसार काम कर नहीं सकता, वो 100% प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन इंसान अपने इच्छा अनुसार चल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर एक दिल या मन है, वो पेड़ के पास नहीं होता। और ये दिल ही हर इंसान का सफलता का चाबी होता है। इसलिए मैं समझता हूँ दुनिया का हर इंसान सफल होने के लिए जन्म लिया है। कैसे? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा सक्सेस, ये सफलता का मतलब क्या होता है। सक्सेस का कोई एक डेफिनेशन नहीं होता, ये मैन टू मैन वैरी करता है, अर्थात हर इंसान के पास सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। कोई सबसे ज़्यादा पैसा कमाने को ही अपना सक्सेस मानता है, कोई समझ में मान सम्मान ये अपना प्रतिष्ठा पाने को ही सक्सेस कहते हैं, किसी को पढ़ाई में ज़्यादा नंबर पाने को ही अपना सक्सेस मानते हैं। इसीलिए सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है मन, क्योंकि इंसान का जो भी मन का इच्छा होता है वो अगर पूरा हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने आप को सक्सेसफुल इंसान समझते हैं। और हर इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए उनका मन अद्भुत साइंटिफिक पद्धति से काम करता है। कैसे? चलिए समझाता हूँ। इंसान का मन या दिल है कमांडर व निर्देशक, वो ब्रेन को कमांड करते हैं, और ये ब्रेन उसी कमांड को सफल करने के लिए शरीर को काम कराता है। सोचिए हम बैठे हुए हैं, मन को लगा मेरे दाहिने पैर में कुछ गिरा या मच्छर बैठा या कुछ लगा है, संग संग दिल ने ब्रेन को कमांड दिया और ब्रेन ने शरीर के जरिए दाहिना हाथ से पैर का ठीक उसी जगह में आघात करके उसका काम पूरा किया। और एक एग्जाम्पल देने से आप लोग समझ जाओगे। सोचिए आप लोग रोज नौकरी से या बिजनेस करके या स्कूल से कॉलेज से लौटते हो, किसी दिन कोई व्यक्ति आपको बोला है कि आपका घर लौटने का रास्ते पे कोई इंसान बहुत दिन पहले सुइसाइड किया था और रात को अभी भी उसका आत्मा उसी रास्ते पे भटकते हैं।
इसे किसी ने देखा भी है? बस आपका मन संग संग बेन को कमांड दिया कि आपका घर लटने की रास्ते पे एक आत्मा भटकते है। किसी दिन रात को अगर आप अकेले घर लौटेंगे तो दिखेगा आपको कैसा डर लगेगा, क्योंकि आपका मन आपको ब्रेन में बैठा दिया है, वहाँ एक आत्मा भटकते हैं। लेकिन दिन में या चार पांच जन के साथ लौटने से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन जानता है दिन में या चार पांच जन एक साथ रहने से भूत दिखाई नहीं देता। तो मन इसी तरह आपको ब्रेन को कमांड करके रखा है, अर्थात मन ब्रेन को जो भी कमांड देते हैं, ब्रेन उसी कमांड को शारीरिक रूप से वास्तव करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी दिन रात को आपको लगेगा आपका नींद नहीं आ रहा है, ब्रेन उसी को वास्तव रूप देने की कोशिश करेगा, देखिएगा सचमुच आपका नींद नहीं आ रहा। इसलिए आपका जो भी लक्ष्य हो मन में सोचिए, मन ही मन में बार बार बोलिए, धीरज रख के विश्वास के साथ मन जो भी निर्देश देगा वो जरूर सफल होगा। किसी को जल्दी होता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप सफल होंगे ही। एक बार कोशिश करके देखिए ना, खुश रहिएगा। नमस्ते।